हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। शबे बारात और होली पर स्टैंड और हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसेगी दिल्ली पुलिस। होली और शबे बारात को लेकर साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी चंदन चौधरी ने साउथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले 15 थानों के इलाके में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर के लोगों को बुलाकर अमन कमेटी की मीटिंग करी। आपको बता दें कि इस बार शबे बारात और होली का दहन एक ही दिन पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर पूर्व दंगों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तो एक तरफ तैयार है, लेकिन अमन कमेटी की मीटिंग बुलाकर उनसे भी कहा गया है कि अपने क्षेत्र में चाहे वह लाउडस्पीकर के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जनता को मैसेज पहुंचना चाहिए। वहीं डीसीपी चंदन चौधरी ने कहा कि हर जगह पर पुलिस मुस्तैदी रहेगी और जिले की शैडो टीम भी तैनात रहेगी। इसके अलावा जिले की एएटीएस की टीम भी रहेगी तैनात। सुने बाइट। दो त्यौहार हैं, शबे बारात आज शाम से शुरू होगा और कल होली का त्यौहार है। होली का दहन भी आज रात में मनाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य बेसिकली यही था कि समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मौलवी हैं, जो हिंदू समाज के जो बड़े लोग हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन किया जाए, जिससे कि वो अपने कम्युनिटी में जा कर के इनके घर के जो बच्चे हैं और इनका जो समाज है उसमें एक कम्युनल हार्मनी का भी एक मैसेज दें। दोनों त्यौहार पीसफुली मनाया जाए और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में हम दोनों त्योहारों को मना सकें। इस मीटिंग में साउथ जिले के 15 थानों से ही अमन कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी शामिल हुए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने जगह जगह पिकेट्स, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, एरिया के जितने भी क्रिमिनल या पीसीज हैं जो विघ्न डाल सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके खिलाफ हमने एक्शन ऑलरेडी पिछले 10 दिन से इनिशिएट किया हुआ है। इन मौक़ों पर, ख़ासतौर से होली के मौके पर, इलिसिट लिकर का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हमने पिछले एक हफ्ते में ड्राइव करके काफ़ी एक्शन लिया है इलिसिट लिकर के अगेंस्ट, गैम्बलिंग के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया है। मेरा इस मीटिंग में भी ये कहने का उद्देश्य था कि पुलिस कोर्सिव एक्शन लेती है, पुलिस जो है लॉ से बधी हुई है, हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन समाज के लोगों का अगर सहयोग रहेगा पुलिस के साथ तो हम इसको बड़ी पीसफुली इन सिचुएशंस को हैंडल करके हम एक अच्छा सेफ और पीसफुल होली, सेफ और पीसफुल शबे बारात निकाल सकते हैं। मैडम, कुछ पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जैसे अम्बेडकर नगर, संगम, बिहार, टिकरी, ये तीन काफ़ी गुरुतंगवादी होते हैं, इस तरीके से लड़के स्टंट भी करते हुए नजर आते हैं होली के दिन। इन एरियाज में हमने जगह जगह पे पिकेट्स लगाई हुई हैं, हमारे स्टाफ की ब्रीफिंग की गई है, उनको सेंसिटाइज किया गया है। कोई भी स्टंटबाजी अगर होती है हमारा स्टाफ उनको पिकेट पे ही रोकेगा। जो प्रॉब्लमेटिक पुलिस स्टेशंस हैं, जैसे कि इन्होंने कहा अंबेडकर नगर, संगम विहार, तिगरी, इन पुलिस स्टेशंस में हमने एरिया डोमिनेशन का भी स्कीम लगाया हुआ है। हमारे पास आउटसाइड फोर्स भी है CAPF की, उनको साथ में लेकर के हम एरिया डोमिनेशन भी करेंगे। मैडम, सबिबरात के रात के समय चिराग दिल्ली जो दरगाह है वहाँ से कम हर साल 20 से 25 बाइक चोरी होते हैं, इस बार किस तरीके का, क्योंकि लोग जो है रात को दुआ करने जाते हैं उनका इधर बाइक चोरी हो जाता है, इस पर भी आप किस तरीके का? इस पे भी हमारी पूरी कोशिश है कि हमने डिस्ट्रिक्ट की शैडो टीम को वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की AATS जो कि पर्टिकुलरली ऑटो लिफ्टर्स के अगेंस्ट काम करती है, उनकी टीम को भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। देखो, ये देखो बहुत ही सराहनीय कदम है, जब पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ऐसा कदम उठाते हैं तो हम अवांछनीय घटनाओं से, बहुत सारी ऐसी अवांछनीय घटनाएं जो हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। वो समाज के अंदर जागृति ही एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं। तो आदरणीय DCP साहब ने मीटिंग ली होली और शबे बारात को लेकर, मेरा ये मानना है कि समाज में एक अच्छे संदेश के लिए ये बहुत ज़रूरी था और इन्हें 3 महीने में या 2 महीने में एक आध मीटिंग लेनी भी चाहिए। और अगर पुलिस इतनी जागरूक रहेगी तो मेरे को लगता है क्षेत्रों में जो भी अपने क्षेत्र हैं हर क्षेत्रों में क्राइम कम होगा और आगे जो समाज है अच्छा जागरूक बनेगा। धन्यवाद। मैनुद्दीन मलिक, सावित्री नगर से सर, नियर मालवी नगर। आज जो मैं DCP मैडम जो मीटिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी होली और सबरे खाद के लिए कि जिसने अपना अमन चैन बना के रखें, आपस में भाईचारा बना के रखें, तो उसमें ही सबसे बेहतर है। और ना हमारे कभी ऐसा हुआ है और ना ही हुआ है आज तक।
आप लोगों को कैसे मैसेज देंगे, कैसे जागरूक करेंगे जो स्टैंड बाज होर्डिंग करने वाले लोगों को मैसेज दे रहे स्टैंड बाज का ऐसा है, पहले जाके अभी जाएंगे ऐलान करेंगे मस्जिद में, तो कहेंगे आगे के लिए कभी भी आगे जाके ना किसी को ना तंग करना कुछ करना ना स्टैंड करना रात को, बिल्कुल नहीं करना, हम सारे बच्चों को अपने को यही कहेंगे। ठीक है।